हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस पर दिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर दिया, आज हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसमें सुनना ज्यादा ध्यान से नोट करने के बजाय इस पर ध्यान देना तो सुनने। ठीक है ना, तो बस ये डेफिनेशन है। ठीक है, चार्ज आपके पास एम है, उनको इंक्रीज सिस्टम के अंदर लेके आना। क्या कराएगा, जो आप तमाम वर्क हो तो क्या करेगा, तो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तमाम को वर्क टू असेंबल चार्ज इन एनी सिस्टम। ठीक है, तो ब्रिंग अप चार्ज इन एनी सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी टू चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क टू असेंबल्स ऑल द चार्ज इन ए सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी से किसी भी सिस्टम के अंदर उन चार्ज को लेकर आने आपको जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क किस रूप में स्टोर हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, अमाउंट ऑफ वर्क टू बिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सिस्टम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क अपॉन चार्ज, यानी ये क्या होता है, वर्क क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, और ये जो वर्क होगा ये भी किस तरह हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब देखो सुनो, पोटेंशियल एनर्जी को टू सिस्टम potential energy for the system. So, consider the force that human being so starts at point A and B, from the moment of view, and this is the point where we have to bring another charge from the moment to that. Okay, here we have a charge to be at A point B. और ये इस पॉइंट पे मिल गया, लेकिन हमारे क्या होगा, साथ में उसमें किसी मान में जाना है इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंफिनिटी से नाइन है। अब मैं इस चार्ज पॉइंट को इस थ्री पॉइंट को ले गया जो मेरा इस ह्यूमन बीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लेके आऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क काम करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किस रूप में स्टोर हो जाएगा, इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास ह्यूमन ह्यूमन है पहले से रखा हुआ है और इसके चारों तरफ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पी के ऊपर क्या है, तो क्यों तो अलग अलग चार्ज उसको इन्विटेशन दे दिया था। अब सीधी बात है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो
जगह का पोटेंशियल अब है, अब जीरो नहीं है पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि पहले जो
बना चुका है उस यौवन के कारण यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल होगा यानी पोटेंशियल तो होगा क्यूबन होगा ठीक है। और जब मैं क्यूबन को लेके आया तो विचार कर रहे थे इसलिए पोटेंशियल मैंने जीरो लिखा और मैं जीरो क्यों ले सकता क्योंकि क्यू टू आने से पहले ही मेरे पास क्या आ चुका है क्यूबन आ चुका है तार आ चुका है और उस तार के कारण यहाँ पे क्या है पोटेंशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा q1 upon 4y epsilon naught r यानी कि q1 बराबर 2 होगा कितना होगा पोटेंशियल कितना यानी पोटेंशियल 4y epsilon naught r इक्वल टू समझे तो लो अब मान लो मैं q3 को लेके आता हूं q3 को सीधे सीधे पॉइंट स्थित ले लिया मान लिया है आपने ठीक है ये सुनो P3 पे ले आया इससे पहले कितने तार आ चुके हैं Q3 से पहले कितने तार आ चुके हैं दो वन और टू यानी इस जगह पे तो पोटेंशियल होगा वो वन के कारण भी होगा और टू के कारण भी होगा ठीक है ना यानी कि मेरा दो वन टू थ्री होगा पूछा पोटेंशियल टू चार्ज यानी पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड टू दोनों के कारण होगा यानी Q1 अपॉन 4y epsilon r1 ठीक है और दूसरा कौन सा होगा q2 का ना 4y epsilon r इस तरह क्या है साथ में मैं 3 को मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल इनटू का जमा में पोटेंशियल इसको ले गया हूं 3 को ठीक है अब देखो पहले मैं तो 4 को ले गया तो इस Q4 से पहले कितने चार्ज आ चुके हैं तीन चार्ज आ चुके हैं यानी कितने पोटेंशियल मिलेंगे आपको तीन यानी आपका जो वर्कफल होगा फोर वो भी कितना होगा पहले के काम पोटेंशियल के साथ पहले के काम 4y एप्सिलॉन नॉट r पहले के काम पोटेंशियल इसको लेके आए हम चार को लेके आए हम इससे पहले तीन आ चुके हैं चार पहले तीन तीनों का जोड़ होगा पोटेंशियल दो के काम 4y एप्सिलॉन नॉट r इसको लेके आए हम चार को लेके आए क्या से पहले कितने आ चुके हैं थ्री भी आ चुके हैं फोर वाई एप्सिलॉन नॉट आर थ्री ठीक है ना इसी प्रकार अगर मैं फाइव को लेके आता हूँ तो फाइव से पहले जो फाइव से पहले कितने आ चुके हैं चार आ चुके हैं तो चार पोटेंशियल पहले भी कहा पोटेंशियल ठीक है इसको ले गया है पांच को लिए टू आई में प्लस में दूसरे के कहा पोटेंशियल प्लस में तीसरे के कारण पोटेंशियल ठीक है ऐसे चलता रहेगा ऐसे ही चलता रहेगा ठीक है यानी जो टोटल वर्क में होगा टोटल वर्क टू ब्रिंग एंड पॉइंट चार्ज कितना आ जाएगा वो ठीक है ना मैं यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं तो 1
2, 3, 4 by 10 जेवन से लेकर टेन है और जेवन से लेकर टेन है लेकिन दोनों नंबर में बराबर नहीं है दोनों दोनों बराबर नहीं तो ऐड करना समझते हैं अब हम दोनों को बार में पेयर करेंगे और पेयर होंगे सिंगल नंबर कितना जाएगा 1/2 समझना आप लेकर जेवन से लेकर जितना है आपके पास q1 / 4 pi epsilon 0
जो भी आप को बताए तो वन टू वन टू 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 में क्या होगा? समझे कि समझे? ऐसे बात में मैंने कहा कि मेरे पास तो लेट चीज है, ऐसे मैं कहती हूँ। और इस स्टडी में समझाए कि हर एक पॉइंट पर मेरे पास तो नहीं इस स्टडी के लिए इतना है भी है। और जब मैं इंफिनिटी से क्यूबल को लेके आया इस पॉइंट पर तो ले आया तो इधर पॉइंट पर पहले इतना की मदद भी है मेरे पास वन प्लस कितना हो उसको लाने के लिए दो पोटेंशियल मिलेगा। एक तो ये बी जो पहले से क्यू1 है Thank you.